जी इंटरनेट, इंटरनेट के भी बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, एक दो नहीं पूरे तीन, इंटरनेट के भी तीन बच्चे हैं। वो कैसे कैसे हुआ, इंटरनेट के पेरेंट्स कहाँ से आए, जानना है क्या है? स्टे ट्यून्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जी आए नु बखैर अगले, वेलकम इंफरटेनमेंट हैक। जी आज की स्टोरी इंटरनेट पर, इंटरनेट चिल्ड्रन, इंटरनेट के बच्चे। वैसे हमारी गवर्नमेंट में वो एक मशहूर मिथ है कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, और ये मिथ पूरी एक्यूरेट फिट होती है इंटरनेट के बच्चों पर, क्योंकि इंटरनेट के तीन बच्चे हैं, तीन में से दो तो बहुत अच्छे हैं और एक बहुत ही बुरा ट्रारी फैट बॉय है। सच्ची कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले बच्चे से। पहले बच्चे मीन्स के इंटरनेट के थ्री पार्ट्स हैं, आप उन्हें थ्री पार्ट्स कह लें या आप उन्हें थ्री चिल्ड्रन कह लें, कुछ भी कह लें। हो सकता है ये आज की स्टोरी आज से पहले आप लोगों ने, कुछ ऐसे भी होंगे सुनने वाले कि जिन्होंने ना सुनी हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। थोड़ा बहुत आइडिया को फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाएगा इसी टॉपिक में। तो पहले बेबी का नाम, पहला बेबी या पहला चाइल्ड या पहला पार्ट इंटरनेट का, पहले पार्ट को कहते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब ये क्या है? सरफेस वेब वो भी इसमें आ जाते हैं गूगल, यूट्यूब, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, मीन्स जितने भी, इसके अलावा बिंग का सर्च इंजन या येंडेक्स जो कि चाइना का सर्च इंजन है, मीन्स जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐसी वेबसाइट जो कि हम लीगली एक्सेस कर सकते हैं, लीगली प्लस हमारे एक्सेस में भी हैं, हम उसको रीच भी कर सकते हैं, वो सारे का सारा इंटरनेट जो कि कॉमन पब्लिक के यूज में है, आपके और मेरे जैसे बंदे के यूज में है, वो कहलाता है सरफेस वेब। जी और सरफेस वेब जैसे कि हम कॉमन यूजर है, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं वो सामने आ जाता है, यूट्यूब पे कोई सॉन्ग या कोई नात या कुछ ऐसी वीडियो सर्च करते हैं वो सामने, मीन्स के विद इन अ फ्यू सेकंड वो हमारे सामने होता है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे हुआ? इस सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए भी पीछे पूरे मीन्स के एक पूरी टीम वर्क, टीम वर्क में भी हजारों के हिसाब से टीम वर्क हो रहा होता है। मीन्स के गूगल का अपनी टीम वर्क है, यूट्यूब की अपनी है, फेसबुक की अपनी है, प्लस ट्विटर, इंस्टा या लिंक्डइन, व्हाट्सएवर, मीन्स के लिस्ट गोज एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इन सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए पीछे भी एक सिस्टम वर्कआउट कर रहा होता है। आप उसे कह सकते हैं कि जैसे कि हम एज अ फ्रंट एंड यूजर होते हैं, मीन्स कि हम फ्रंट पर कुछ भी टाइप करते हैं वो सर्च हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन उस सर्च को सामने लाने के लिए एक बैक एंड पे भी एक काम हो रहा होता है, उस बैक एंड को बैक एंड यूजर्स कहते हैं। बैक एंड यूजर या आप उसको कह सकते हैं इंटरनेट का सेकेंड बेबी, जिसको वैसे कहा जाता है डीप वेब। डीप वेब क्या है? ये इंटरनेट का सेकेंड बेबी है। फर्स्ट बेबी आपने सुन लिया सरफेस वेब, एंड सेकेंड बेबी जो कि डीप वेब। ये दोनों वैसे बाय द वे गुड बेबीज हैं। डीप वेब का काम ये है कि हमारे लिए मीन्स के सर्चेस को एक्यूरेटली ऑटोमेटिक करना, ये डीप वेब का काम है। कहा जो इंटरनेट यूसेज एरिया है वो मीन्स के सरफेस वेब से कई गुना ज्यादा है। मैं एंड में आके बताता हूँ कि मीन्स के डीप वेब या सरफेस वेब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरनेट को, लेकिन उससे पहले इसका तीसरा बेबी, तीसरा बेबी जो कि वेरी वेरी बैड बॉय है, सीरियसली, तीसरा बेबी डार्क वेब। सच कहूं तो आज की स्टोरी बनाने का बेसिक पर्पस ही ये था कि डार्क वेब को एक्सप्लोर किया जाए, मीन्स के जिनको नहीं भी पता उनको भी मिनिमम इतना नॉलेज होना चाहिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मीन्स के नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि आप भी ऑटोमेटिकली इस डार्क वेब के जाल में फंस जाएं। डार्क वेब है क्या? डार्क वेब किसने स्टैब्लिश किया? क्या ये इंटरनेट का ही मीन्स के पार्ट है? ना ना ना, डार्क वेब असल में एक क्रिमिनल वर्ल्ड है। ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज रखते हैं, ये उनकी वेबसाइट्स हैं। इनकी वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, कैसा ये मेरे जैसा इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है? आंसर इज नो। तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसको मीन्स के कैसे रीच आउट किया जा सकता है, ये सिर्फ उसी बंदे को पता होगा जो इस डार्क वेब का पार्ट होगा। डार्क वेब में अब क्या क्या होता है? डार्क वेब में आप ये पूछेंगे क्या क्या नहीं होता, सीरियसली ये एक लंबी लिस्ट है। जी तो डार्क वेब की लिस्ट में आता क्या क्या है? डार्क वेब की लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है वेपन स्मगलिंग।
अब इस वेपन में आप छोटे से मीन्स के हैंड ग्रेनेड या AK-47 से लेके आप बड़ी बड़ी क्लेशन कोर्स या इवन के खुद कुछ जैकेट्स भी अवेलेबल है। मीन्स के अगर आपको खुद कुछ जैकेट्स भी ऑर्डर करवाना है तो इस पे मीन्स के डार्क वेब में आपको इजीली इसके भी आप रीच आउट कर सकते हो। सेकंड आता है ड्रग्स अवेलेबिलिटी। ड्रग्स अगेन वही मीन्स के ड्रग्स भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने अगर जानना है तो गूगल कर लीजिएगा। ड्रग्स मीन्स के बताने का मकसद कि ड्रग्स की भी इधर मीन्स के इजीली मीन्स के आपको रीच आउट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे इधर आता है टारगेट किलिंग। यस, यहाँ पे प्रोफेशनल शूटर्स अवेलेबल हैं, मीन्स के आप जस्ट उन्हें मीन्स के यहाँ से आप उन्हें अमाउंट रीच आउट करें। अब अमाउंट रीच आउट कैसे की जाती है ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो उन्हें अमाउंट पे आउट करें, देन वो उन्हें टारगेट बताएं, देन वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और देन वो बंदे को इजीली कत्ल कर देंगे। चौथे नंबर पे आता है मीन्स ह्यूमंस ऑर्गन्स जो हैं इनकी मीन्स के ट्रेडिंग। ह्यूमन ऑर्गन्स में बेशक आप दिल मंगा लें, बेशक आप लिवर मंगा लें, बेशक आप किडनीज मंगा लें, इवन के स्कल मंगाना चाहते हैं ये मंगा लें, इवन के लेडीज हेयर्स मंगाना चाहते हैं। मीन्स नंबर ऑफ लिस्ट है, आपने मंगवाना क्या है, सिर्फ आपने ऑर्डर करना है, ऑर्डर टाइप करना है और वो चीज विद इन 1 to 3 days आपके पास अवेलेबल हो जाती है। फोर्थ लिस्ट में आता है किडनैपिंग। जी, किडनैपिंग बेशक वो चिल्ड्रन किडनैपिंग हो, किडनैपिंग बेशक वो वुमेन्स हो, किडनैपिंग बेशक वो मीन्स जनरल पब्लिक हो, किसी को भी किडनैप करवाना है, वहां पे प्रोफेशनल किडनैपर्स बैठे हैं अपनी सर्विसेज सेल आउट करने के लिए। जस्ट आप कॉल मिलाएंगे मीन्स के उनको रीच आउट करें, देन सर्विसेज अवेल करें। जी, पांचवें इसमें कैटेगरी आती है लाइव कैसीनो। जी, यहाँ पे आप मीन्स के लाइव कैसीनो हैं, लाइव जुआ खेल सकते हैं, इजीली हारते हैं जीतते हैं आपका लक। सिक्स नंबर पे आता है रेसेस। हाँ, जैसे कि मीन्स अरबों में रेस होती थी या लड़ से के घोड़ों की रेस होती है, उस यहाँ पे लाइव रेसेस है। आप मीन्स के लाइव रेसेस में जिस घोड़े पे या जिस चीज पे भी जुआ लगाना है खेलें, बैट अगर आप जीत जाएं तो लाखों कमाए, नहीं तो जीरो। सेवन नंबर पे आता है ब्लैक मैजिक। जी, यहाँ पे मीन्स के लाइव ब्लैक मैजिक की क्लासेस दी जाती हैं। एट नंबर पे आता है डेथ फाइट्स। यस, मीन्स की बॉक्सिंग नहीं है, डेथ फाइट है, डू और डाई वाली सिचुएशन, मारो या मरो। इस पे लाइव जुआ होता है, मीन्स के पार्टिसिपेंट, आपने पार्टिसिपेंट ए पे जुआ खेलना है या पार्टिसिपेंट बी पे खेलना है, जो मर गया और हार गए या जीत गए, एल्स डिपेंड करता है कि आपने किस पे बैट लगाया था। नंबर 9 पर आता है मीन्स के सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ह्यूमन मीट्स, इंसानी गोश्त, ह्यूमन ब्लड, मीन्स कुछ ऐसे साइकी इंसान नहीं, मीन्स के ड्रैकोलास कह लो, क्योंकि इंसान तो इंसानों का गोश्त नहीं खाते, ऐसे इंसान भी हैं जो कि इंसानों का गोश्त खाते हैं, इवन कि इंसानों का गोश्त पीते हैं, ह्यूमन ब्लड्स। यस, नंबर 10 पे आता है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। मीन्स कि आपने किसी भी पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रिकॉर्ड करवाना है तो आप सिंपली मीन्स के इनके सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। लास्ट नंबर मीन्स के जो डार्क वेब का सबसे घनौना और सबसे गंदा फेस है रेड रूम्स। जी, कभी ना कभी तो सुना ही होगा रेड रूम्स, इवन के अफसोस से कहना पड़ता है हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें इंकशाफ किया जाता है कि ये बंदा या ये बंदी या ये पार्टिकुलर गिरोह डार्क वेब में मुलव्वस था या रेड रूम एक्टिविटीज में मुलव्वस था। रेड रूम है क्या? रेड रूम ऐसा है कि मीन्स के जहां पे पैसे देकर मीन्स के देखने वाला आपको पैसे देगा और आप उसके मुताबिक बच्चों को कत्ल कर दो, बच्चों के जिंदा बच्चों के ऑर्गन्स को उनसे जुदा कर दो, मीन्स के उनके बाजू काट दो, उनकी टांग काट दो, इवन के मीन्स के उनकी गर्दन उड़ा दो लाइव पैसे के बेस पे। मीन्स के अगला देने में पार्टी आपको पैसे दे रही है, देन उसके ऑर्डर पर वो जो तमाशा देखना चाहता है देख सकता है, जैसे कि पैसा देख तमाशा पहन। उसके अलावा मीन्स के औरतों के साथ लाइव रेप्स होते हैं इधर, इवन के रेप करने के बाद उनको मीन्स के बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर जिंदा आग भी लगा दिया जाता है। ये रेड रूम की एक दर्दनाक कहानी है जो कि मीन्स के डार्क वेब के सबसे बदतरीन बुरा असर है। ये तो था एक डार्क वेब जो कि इलीगल या क्रिमिनल या अंडरवर्ल्ड टाइप के लोगों का एक मीन्स के अपना डिवेलप किया हुआ सिस्टम है। अब आ जाते हैं सबसे मजेदार चीज पर,
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करूं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरनेट का यूजर, हम समझते हैं कि मैं और आप इसके डाटा पैकेज करते हैं, डाटा पैकेज विद इन आवर 24 आवर्स बूम जीरो, लेकिन हम इन एक्चुअल कितना यूज करते हैं, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे एक ग्राफ शेयर करता हूं, उस पर आप ये देख सकते हैं सीधा सीधा कि हम आम कॉमन पब्लिक सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का 4% यूज करते हैं। जी, आम पब्लिक का मतलब है जितने भी कंट्रीज हैं वो सब के सब कॉमन पब्लिक मिलकर भी सिर्फ और सिर्फ 4%, जिसको कह सकते हैं सरफेस वेब। उसके बाद 90% डीप वेब, 90% डीप वेब के मैनेजमेंट यूज कर रही होती हैं, मींस के जो हमारे सिस्टम्स को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, 90+4, 94, और रिमेनिंग 6% आता है कैटेगरी में डार्क वेब की। जी, मींस के कॉमन पब्लिक, हम मींस के 7 बिलियन पीपल मिलकर भी जितना इंटरनेट यूज करते हैं, डार्क वेब वाले मींस के जो गिने चुने हैं, फिंगर टिप्स पे आप उनको गिन सकते हैं, वो 6% यूज कर रहे हैं, मोर देन कॉमन पब्लिक। ये था मींस के इंटरनेट के 3 बेबीज, सबसे बुरा डार्क वेब। स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी तो बता दीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि अच्छी लगी या बुरी लगी। और अगर आप इस किस्म के अपडेट से आइंदा भी बाखबर रहना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।